क्या सोच रहे हो राज? कुछ नहीं, तुम्हें देखकर बचपन की एक बात याद आ गई। मेरे बारे में? हाँ, बचपन में अक्सर मेरी माँ मुझे परियों की कहानी सुनाया करती थी। और मैं माँ से हमेशा पूछता कि माँ, क्या मैं कभी किसी परी से मिल पाऊंगा या भी नहीं? माँ के पास मेरी इन बातों का कोई जवाब ना होता। आज अगर माँ जिंदा होती तो मैं तुमसे उसको मिलाता और कहता कि देखो माँ, मेरी हकीकत में मुलाकात एक परी से हो गई। अरे अरे, आंख पीछे और कुछ मांगो। देखो तारा टूटा, तारा तारा तारा। आहा, तुम इन बातों में विश्वास रखते हो? तुम्हें लगता है कि टूटे हुए तारे को देखकर जो मांगो मिल जाता है? अब तक तो नहीं पता, मगर मैंने जो मांगा अगर मुझे मिल जाए तो सबसे पहले तुमको पता लगेगा। चले चलो। छोटी मैम साहब, ये डायरी राज साहब की है, लगता है वो इसे भूल गए। अच्छा जी, थैंक यू जी। मंडे, सोना आज आई तो जरूर अपने हमेशा के वक्त पर सोना का मूड आज ठीक नहीं था। मैंने पूछा, सोना का गुस्सा किस बात पर? उसकी आंखों में दो आंसू उभर आए। कहने लगी, वजह तो तुम जानते ही हो, मैं सब कुछ देख सकता हूं मगर सोना की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मोहन प्यारे, ये समझ लो कि शहर के सबसे बड़े वकील तेजबाल फंस गए मेरे जाल में। आज सुबह से लेकर शाम तक मुझे बेटा बेटा कहकर जबान नहीं थक रही थी उनकी, और मैं अपने दिल में बोल रहा था कि बेटा नहीं बाबूजी, दामाद बोलने की आदत डालो। अरे दामाद तो तब बनेगा ना जब बेटी मानेगी। अरे वो भी मान जाएगी, जब पेड़ हिल गया तो फल तो गिर ही जाएगा अपनी झोली में। ओए राजा, मत देख जागते हुए सपने, मत देख, जा भाई, रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जा। अरे अभी कहाँ, अभी तो वो आने वाली है। क्यों, प्यार का इकरार हो गया है क्या? नहीं अभी तक हुआ तो नहीं है। तो फिर इतनी रात गई का टाइम पूछने आने वाली है? नहीं, उसके दिल में दरअसल मेरे लिए प्यार बहुत है, लेकिन आज उसका इकरार करने आने वाली है वो। चल ना, कितना बोर करेगा, तेरी भाभी अभी डोरबेल बजाने वाली होगी। बाय बाय।